दोस्तों आज इनके नीचे से हमने कुछ अनफर्टाइल अंडे निकाले हैं जी, जिनकी तादाद है 5। ठीक है जी, अंडे बहुत कीमती हैं, जाया करने को भी नहीं दिल करता। अभी ना इन अंडों का क्या करें, क्या करें इन अंडों का, ये खाने वाले नहीं है। आप इस तरह करो, मामा को दे आओ, उनको बोलो कि इनको बॉयल कर दे, ठीक है जी, उबाल दे, ठीक है। चलो शाबाश, जाओ जाओ जल्दी जल्दी, शाबाश। इतो इतो मैं कढे ना, तू पहले ये आप करो ना, हाँ अंडे दे आओ, बातें इसकी सुन लो, जाओ जाओ जल्दी से उनको कहो के इनको उबालो। शाम के टाइम वो हमारे सेठ साहब बैठे हुए हैं जी, डांग उनको हमने हवाले की हुई है, ये सारे देख रहे हैं, इधर खड़े हो गए कि वो सारे देखें जी, हमारे जो ऊपर से निजाम है ना, सारा डांग पे चल रहा है, ठीक है जी। ये डंडे के बगैर कोई भी नहीं सुनता, परिंदे सारे अब खड़े हुए हैं किसी। अभी ना जल्दी से वापस आओ, जल्दी आओ जल्दी जल्दी, ये कोला भी ले आओ, आप आपको आपके अंडे दें। ये देखें अब ये सारे इधर खड़े हुए हैं, अब इरफान भाई के पास अगर ये डांग ना ना हो तो ये सारे अंदर चले जाएंगे। यार ये क्यों इधर अंदर नहीं आ रहे, क्या वजह है, क्या कमाल है आपके पास भाई, डर है डंडे का ये देखें जी, इरफान भाई ने जो है ना डंडा संभाला हुआ है, ठीक है, अच्छा काम है, हर चीज ही आजकल डांग के आगे सीधी है। दूसरी बात ये यार, वो जो मैंने कल रात को बिठाई माधी हो गई है कुड़क, हाँ कुड़क तो वो पहले ही थी। अच्छा उसके लिए। अच्छा आए दोस्तों देखते हैं, मैंने तो आज नहीं दीद पड़ी जी जी। अच्छा अच्छा पहले वो बोल रही है, पता नहीं कोई दूध मेरे ख्याल उबार रही है, पता नहीं क्या कर रही है, तो उसकी समझ भी नहीं आती। कल रात को दोस्तों मैंने कुछ अंडे रखे थे, वजह ये बनी, हमारे पास चाचू की कल शाम को कॉल आई थी, बल्कि सुबह आई है शायद, 24 या 22 अंडे उनके पास अवेलेबल है और तकरीबन 8 से 10 अंडे मेरे पास है। तो हमें ऑलरेडी जो है ना 2-3 मादियां चाहिए जो अपना कुड़क हो। कल मैं यार यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे जगह नहीं है, टोकरा एक बड़ा डाल के मैंने यहाँ पे बिठाई है, ये देखे ये वाली ब्लैक अंदर से उठाई है मैंने, जिसका मैंने आपको बोला था कि कुड़क बहुत अच्छी होती है। अभी इसके नीचे भी यहाँ से ही कुछ अनफर्टाइल अंडे निकाल के मैंने डाल दिए थे, ये इसे कर देते हैं जी बंद, ठीक है जी। ये माशाल्लाह से हमारी बिल्कुल कुड़क है जी। बाबा क्या कह रही हो, चलो आओ आओ, पहले अबीरा को यार अंडे देते हैं, कोई बर्तन तो लाना था। इरफान भाई अंडे निकाले हैं नहीं आपने इधर से, नहीं निकाले, चलो चलो मैं आपको देता हूँ यार। एक तो ये कमरा भी बहुत छोटा है, चलो जाओ जाओ गुजर जाओ गुजर जाओ जल्दी, शाबाश। कमरा बहुत छोटा है, डर लगता है कहीं सारे ना लग जाए। तो यार माशाल्लाह रोजाना दोस्तों आता हूँ, एक आधी उठा के भी ले जाता हूँ, लेकिन नंबर इनका फिर पूरा होता है, यानी कि तकरीबन मैक्सिमम बाहर 1, 2, 3, 4, 5 मुर्गियां अभी कुड़क बिठाई है यहाँ पे मैंने, यहाँ से ही उठा गया अभी माशाल्लाह से। फिर जो है ना वो देखो, आप अपनी जूती ढूंढ रही थी ना, वो पड़ी हुई है, आप फेंक गई थी, आपकी मामा को बताऊंगा मैं, इधर कैसे आ गई है आपकी जूती, जाओ उठा के लाओ, शाबाश। कुछ नहीं कहती, मैं खड़ा हुआ हूँ। ये देखे जी अबीरा की जूती जो है ना, मेरे ख्याल यहाँ पे गब्बर भी नहीं आया होगा, किस तरह आई है, ये लो अलहदा ले जाओ ले जी। अब इनके नीचे देखते हैं, अब इनमें से दोस्तों हमने इक्का दुक्का मादी और भी कुड़क डालनी है, ठीक है जी। अब इनमें से कौन सी निकाले, ना करो अबीरा, डरती है ना करो। मैं कहता हूँ एक ये निकाल लें, ये भी अच्छी कुड़क बैठी हुई है, मादी भी बहुत नस्ली है, गुस्सा बहुत है इसे, है एडा तेन गुस्सा। ये देखे हैं, ये देखे हैं, तू मारनी तू नहीं, ये इसे आप में से कोई मारेगा इसे, है किसी ने इन्ना गुस्सा नहीं, एक वो वाइट को शायद गुस्सा आया थोड़ा सा। ले जी अंडे छोड़ दिए उसने खुद बा खुद ही माशाल्लाह, वो उधर से मेरे ख्याल वो चूजे माहौल देख रहे हैं कि ये कर क्या रहे हैं सारे। चलो अबीरा ये आपके आ गए बेटा, ये 4 अंडे आ गए, ऐसे झोली कर लो, शाबाश, चलो ठीक है जी। 4 एक मिनट और भी देखने दो ना मुझे, और भी होंगे इंशाल्लाह। अंडे दो ना, अंडे अंडे नहीं दोस्तों। अच्छा आप अंदाजा करें, इन सब की सरदार ये वाली मुर्गी है, सबके अंडे इसी के नीचे थे और टोटल 4 निकले हैं, यानी और किसी के नीचे भी अंडा नहीं है। अच्छा आज जगह बनाते हैं दोस्तों, चलो अबीरा बाहर, अब मुझे ले तो आइए, मुझसे यहाँ से कैसे निकला जाएगा, उस दिन मेरा सर लग गया। चलो चलो जाओ अपने अंडे आप छोड़ो जो आगे। मैं यार इस टाइम अगर हमारे पास हो 22 अंडे, 22 और तकरीबन 8 से 10 अंडे मेरे पास हो जाएंगे, 22 और 10 32 अंडे हों, और 32 में से इस तरह समझ लें हमें कितनी मादियां चाहिए। एक मादी के नीचे हम रख देते हैं जी 15 रख देते हैं, इस मादी ब्लैक वाली के नीचे,
और बाकी हमारे पास 15 और 2 17 अंडे। उन 17 अंडों के लिए हमें मैक्सिमम इस वक्त जो है ना 2 मादियां चाहिए। उनमें से हम इनमें से अब ये देखते हैं, एक वो जो मैंने रेड वाली चूज की है और दूसरी पीले वाले, ठीक है जी। उन 2 मादियों को हम बिठा देते हैं, ठीक है, ताकि हम यही मौसम है आगे से जिस तरह देखें आप, गर्मी बढ़ती जा रही है दिन ब दिन। आजकल हमें जो है ना दोस्तों तरपाल भी खोलनी पड़ती है क्योंकि सूरज होता है सीधा सामने से और बहुत ज्यादा बेचारों को गर्मी लगती है, तो इससे पहले हम बिठा लें। और देखें माशाल्लाह हमारे पौधे के ऊपर पत्ते भी आना शुरू हो गए हैं। ओए आज यार मैं अपने जो है ना पैरट्स हमारे वो बेचारे, इस टाइम मैं उनको रोटी डालता होता हूँ, आज मैं भूल गया हूँ, वो भी बेचारे इंतजार कर रहे होंगे, पहले रोटी लाते हैं। अभी दरवाजा बंद कराओ, ये लो जी, ये लो, आ जाओ शाबाश, ये इंतजार कर रहे हैं बेचारे, ये लो ले लो भाई, आप भी ले लो ना, ले लो, चलो ले जाओ शाबाश। चलें जी ये रोटी खा रहे हैं, अभी मैं इनको भी डालता हूँ। ये दोस्तों डरते बहुत हैं यार, जिस तरह ही बंदा आता है ना ये अंदर जाके ना, ये देखो भाई रोटी लाया हूँ आपके लिए, देख लो इधर सुराख में से तो आपको नजर आ रहा होगा बेटा, ये आपके लिए नहीं है, ये इनके लिए है, आपको वही काफी है, जाओ खाओ हूँ, कैमरे नु बढ़ना जी है। चलें जी ये लो, ये हम यहाँ पे इनको रख देते हैं। ये पता नहीं क्यों आज इतने गुस्से में आ रहे हैं, मेरे ख्याल शायद इनकी टाइमिंग लेट हो गई है, फिर गुस्से में आ रहे हैं। अच्छा अभी फुल ब्रीड का सीजन है यार। जी बाबा क्या कहना चाह रही हो? नहीं ते को चक मरे ना तू, जरा से था यो करवाई खड़ी। दूसरा इनको मैं देख रहा था यार, जो हमारे पीले वाले है ना लव बर्ड्स, ये एक दूसरे को मैं देख रहा था, पता नहीं क्रॉस शायद कर रहे थे, मैंने खुद नोटिस किया। फिर मैंने इनके जो है ना डब्बे के अंदर थोड़ा सा बुरादा डाल दिया, बुरादा भी मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है, काफी थोड़ा डाला है, मेरे ख्याल ये ब्रीड करने वाले हैं, लेकिन ये अभी नहीं करते, पता नहीं क्या वजह है अभी तक जो है ना। ये मुझे किसी ने कहा है कि दोनों मादियां, कोई कहता है अभी पट्टे हैं छोटे हैं, चलें वक्त के साथ देखते हैं इनको। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी दोस्तों क्या हाल है, ठीक है जी, खैरियत है, फार्म के अंदर आ गए हैं। सबसे पहले शहजादे हमारा कर रहे हैं इस्तकबाल इनके, क्योंकि अभी फीड का ऊपर से टाइम हो रहा है। ओए मेरे ख्याल पानी भी खत्म हो गया इनके लिए, बिस्मिल्लाह एक मिनट रुको भाई, आ जाओ, मेरे ख्याल प्यास लगी हुई थी आपको, क्योंकि चूजों ने यहाँ से ही पीना होता है ना बाहर वालों ने। चले जी ये आपका आ गया पानी, ठीक है। अच्छा माशाल्लाह आप दिन ब दिन जिस तरह बढ़ते जा रहे हैं ना, को थोड़ा थोड़ा अंदाजा भी होता जा रहा है कि कौन से बच्चे हैं। खास कर में अभी मैं आपको दिखाऊं यार, हमारे पास जो 2 बच्चे रेडी हुए हैं ना, जो मेरा फेवरेट कलर है, एक ये और एक ये दोनों बहन भाई हैं, ये दोनों पीछे, ठीक है जी, अभी बोसके पर निकाल रहे हैं। तो अभी बच्चा देखें कितना माशाल्लाह, ये मेल है, ये मैंने 2 रखे हैं अपने शौक के लिए। हाँ भाई ये मुझे काटता भी है किसी किसी टाइम ना। अच्छा ये बच्चे किसके होंगे दोस्तों, आप अंदाजा कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास है 2, ये एक मेल है एक ये, आजकल मैंने इनको इकट्ठा ही बंद किया हुआ है। दोस्तों हमारे पास जो है ना ये इसके बच्चे हैं, ये इस वाले के, ये इनका बाप है और ये ही इनकी माँ है। लेकिन इस बार इंशाल्लाह ताला कुछ थोड़ा सा मुख्तलिफ देखने को हमें ब्रीड में मिलेगा, वो इस तरह बता रहा हूँ क्योंकि ये देखे माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या हो गया आप क्यों इतना गुस्सा कर रही हो बेगम? बेगम नहीं कह रहा दोस्तों, बेगम कह रहा हूँ, मतलब आप कहें कि शायद नुमान भाई बेगम कह रहे हैं, ले वो अपना काम लगाने को है और तू थोड़ी गैरत कर वे ओदे काम में, एल 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 हूँ की बंदा ऐसा करे, मुझे दे दो बेटा दे दो ना। आज बेगम मादी का गुस्सा देखा है आपने दोस्तों, मुझे देना मुझे देना, ये मेरी तरफ आने दो, ये मैं ले जाऊं, नहीं वो कहती है आप ना लेके जाओ लेके जाऊंगा ले। अच्छा इस बार मुख्तलिफ ये देखने को मिलेगा, माँ होगी बेगम और बाप जो है ना वैसे ही। अब आगे से पता नहीं क्या रिजल्ट इनका निकलता है, कलर कौन सा आएगा, लेकिन जो भी आएंगे ना बड़े खूबसूरत इनके बच्चे आएंगे। इनके ऑलरेडी मैंने कुछ बच्चे डाले हुए हैं, बाहर वाली मादियां जब निकालेंगी ना इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। अभी ना पीछे आ जाओ थोड़ा सा। आज दोस्तों हमारा जो फार्म है ना बड़ा खाली खाली नजर आ रहा है, मैं यहाँ से अक्सर इसलिए निकाल गया हूँ दोस्तों क्योंकि अंडा पड़ा हुआ है, पड़ा रहने दो, आपने नहीं उठाना, नहीं 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 मुझे ना उठा के दो। अच्छा यहाँ पे हमारा तकरीबन ये फार्म बहुत ज्यादा खाली नजर आ रहा है यार, मैं इसलिए यहाँ से मादियां शादियां निकाल गया हूँ, नर भी निकाल गया हूँ, वजह ये है दोस्तों यहाँ पे गर्मी बहुत ज्यादा हो गई और ब्रीड का मौसम है, खुड्डे छोटे हैं वहां पे, जरा खुला माहौल है। मेरे ख्याल इरफान भाई आए हुए हैं, चलो जी आजा, वो उधर एक शहजादा फिर रहा है यार, भाई इधर पीछे जरा चेंज कर दो, अभी ये सोन तोल वाली मादी जो है ना ये दरमियान वाला जोड़ा, इसे उधर छोड़ देना जरा,
पहले मेरे ख्याल भाई इनके लिए थोड़ा सा चारा लेके आए हैं। सब के अंदर देखें जी हलचल हो चुकी है शुरू, माशाल्लाह चेक करें, सारे शौक शौक से देखें इनको, इनकी टहलनियाँ देखें आप सब की, उसको देखें खासकर। वो कह रही है सबसे पहले जी मुझे ही डाल दें, सुबह की मौजें कर रही है ये वाली मादी, उधर से पीछे से ढूंढने गई है कोई रास्ता है या नहीं, फिर वापिस इधर ही आना है इसने। जी बाबा नहीं अभी नहीं अंडा उठाना, वो आ गई है देखे उधर से रोन लगा के आई है, शायद पीछे कोई जगह हो, फिर वापस आ गई है ये जी माशाल्लाह। पीले वाले भी जो है ना छोटे दो बच्चे, वो भी अपनी जिंदगी की दौड़ में लगे हुए हैं, वो देखे इनकी आदत है अपना नहीं खाते इधर उधर से सारा, वो देखे उठा के खाते हैं, इनके काम देखा करें बस आप। अच्छा दोस्तों आज जो है ना यार हमारा जो मिनी जू के अंदर से हम लेकर आए थे अपना मेल लेकर आए थे, यानी ये वाला शहजादा, ये खड़ा हुआ है अकेला, तो मैं आज सोच रहा हूँ क्यों ना यार इसे किसी के साथ एडजस्ट कर दिया जाए। इस मादी को बंद किया हुआ है तकरीबन 3 दिन हो गए हैं अभी अभी तक। ओए गुस्सा कर रही है, गुस्सा चढ़ा हुआ उसे कि मुझे लगता बंद क्यों किया है। अच्छा ये अब अपना कुड़क तोड़ चुकी है, इस मादी को किसके साथ बंद किया जाए आप ये मुझे कमेंट्स के अंदर बताएं, ये मादी किसके साथ बेहतर लगेगी किसके साथ, या तो हम इसे न्यू मिनी जू के अंदर सुल्तान के साथ छोड़ दें तब भी बेस्ट है, या दिलबर के साथ छोड़ दें तब भी बेस्ट है। ठीक है जी अभी ये अपना कुड़क तोड़ चुकी है, इस तरह तो ये दोबारा उसी बच्चे के साथ जो है ना चीनी वाली के साथ, वो जो एक बच्चा है अभी इंशाल्लाह ताला दोस्तों इस चीनी वाली को भी मैं अलहदा करने वाला हूँ। ठीक है बच्चा बड़ा हो गया है, ये अपनी केयर भी कर सकता है इन बच्चों के साथ। ठीक है थोड़ा सा इनका फर्क है, कोई नहीं इतना ज्यादा फर्क, अब मादी को कर देते हैं अलहदा, इसकी चले ब्रीड लगवा लेते हैं। और दूसरी बात ये है दोस्तों वो सामने वाली मादी ने मेरे ख्याल अंडा, भाई इसने अंडा दिया नहीं कल से, बड़ी बेचैन फिर रही थी, दिया हुआ अंडा माशाल्लाह। अच्छा यार इस तरह की बातें तो आप मुझे बताते ही नहीं, वो देखें जी। अच्छा काफी देर से मैं इस मादी की ब्रीड का बहुत ज्यादा इंतजार कर रहा हूँ, ये पहले मैंने लगाई हुई थी दिलबर के साथ। ठीक है जी हमारी वो वाइट जावे वाली बड़ी रेड वाली मादी फारिक हुई, क्योंकि दिलबर और उसका कलर मैचिंग होता था इसलिए इन दोनों का होता था, तो मैंने इनको लगा दिया। हैं ये बाहर की है यार, अंदर कैसे आ जाती है ये, इसे जो है ना इसके परों पे टेप लगा दें। अच्छा ये जोड़ा यहाँ पे किस तरह आया है यार, या, आपने बंद किया ये वाला जोड़ा लसानी, नहीं करना था यार मादी को मैंने अंदर कुड़क बिठाना था, मैंने तैयारी की हुई है अंडों की, नहीं यार उधर बैठी थी अल्लाह के बंदे दो तीन ना, नहीं बैठती ना न्यू जगह पे नहीं बैठती, आप दो तीन अनफर्टाइल अंडे ना उसी खुडे के अंदर रख दे, ये कल तक कुड़क होगी इसके नीचे अंडे डालेंगे, लाजमी अंडे इतने कितने करेंगे यार, ये कुड़क इसे लाजमी बिठाना है। मैंने यही सोचा हुआ दोस्तों उस खाने के अंदर वो मादी हमारी कुड़क थी, लेकिन भाई ने मेरे ख्याल इधर शिफ्ट कर दी है, तो मादी अभी भी कुड़क है थोड़ा देख रहे हैं, तो इसे आज कोशिश करते हैं उधर कोई दो तीन अनफर्टाइल अंडे दे के, अगर कुड़क हो जाती है ना तो इसे कल अंडे दे देंगे। और हमारी माशाल्लाह से दोस्तों नील मुश्की जो मादी थी ना वो भी कुड़क हो गई थी ये वाली, यानी कि अभी मेरे ख्याल फीड के लिए उठी है जी। हाँ बेटा क्या हाल है आपके, मादी बहुत कमाल है माशाल्लाह, नवाब सा अजीब सा कलर है, अजीब सा भी और नवाब सा भी। जी अमीरा आप क्या कहना चाह रही, तुम्हें अब अंडों के ख्वाब आते रहेंगे, देख लिया ना अब आपने, अब आपको अंडों के ख्वाब आते रहेंगे। लें जी भाई उसे उठा के ले आए हैं जी छोड़ने के लिए आराम से, चल शेर मेरा चल। ठीक है ठीक है, हाँ बच्चे हमने ठीक है खावन वाले नहीं बच्चे वाले अंडे हैं। तो माशाल्लाह हमारी दिलबर वाली मादी और बड़े मुश्के वाली। अच्छा दोस्तों ये जो हमारा मुश्का ना यार इसकी ब्रीड इतनी खूबसूरत आती है ना, ऑलरेडी आप उसका एक देखा होगा आपने जो मेरे पास फार्म के अंदर है ना, जो यानी के मिनी जू के अंदर बच्चे फिर रहे हैं इसी के फिर रहे हैं, तो मैंने इसलिए इसे ब्लैक के साथ डाला, मैंने कहा यार इसके बच्चों का बड़ा एक आउटस्टैंडिंग जो है ना ये बच्चे इसके आते हैं, तो इंशाल्लाह ताला ये भी हमारा कवर हो गया। दिलबर को मैंने वो व्हाइट जावे वाली मादी के साथ छोड़ दिया था, ठीक है थोड़ा मादी बड़ी थी तो दिल अपना जावे से थोड़ी काबू नहीं थी आ रही, इसलिए जावे को छोटी मादी दे दी मैंने और दिलबर को बड़ी के साथ एडजस्ट कर दिया। यार बातों बातों के अंदर बात फिर रह जाती है, ये जो हमारा लसानी है ना यार भाई इसके साथ इसको छोड़ते हैं, लेकिन ये खुडा इसका छोटा है या ठीक है चलें। हाँ भाई लावा तेनू मादी दे नाल लगा दे, बेचारा अकेला खड़ा हो के दोबारा मेरे ख्याल हो चुका है बोर, तो इस मादी से इजाज़त लेते हैं। हाँ भाई आपके साथ छोड़ दें इसे, मादी ये भी बहुत आउट क्लास है ये देखें, लेकिन अभी तक इसने सीजन के अंडे नहीं दिए अभी तक, ये देखें क्या हो गया क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ, असल में अबीरा ने डंडा पकड़ा हुआ ना मेरे ख्याल। चलें जी अपने इस लसानी को पकड़ते हैं, चल आ जा भाई
आजा तुझे यहाँ पे किसी मादी के साथ छोड़ के आजा ना, आराम से उतर। अच्छा बात चल, इधर ऐसे इतनी जिद नहीं करते यार, मैं तेरा भला कर रहे हैं तो तू अगो मुन्ना ही कह रहे हैं। चले जी इस मादी के साथ छोड़ते हैं भाई, अगर यहाँ पे तंग हो रहे हो ना तो इनको पीछे किसी बड़े खुडे में छोड़ देना, फिलहाल मैं छोड़ने लगा हूँ, अगर ये यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं तो ठीक है। चल भाई जा शाबाश, चल। ये इसकी एक तरतीब है, जाते साथ जिस तरह मुर्गे बहुत ज्यादा तंग करते हैं ना वो काम नहीं करता, आराम आराम से उसे देखे मना रहा है। आज मुझे लगता है थोड़ी ज्यादा नहीं वो जल्दी कर रहा, वो देखे जी चढ़ गया होते मगर होते। मैंने क्या आराम नहीं, आज आराम नहीं दिखा रहा, असल में काफी दिन हो गया ना दोस्तों वो मादी पर पड़ा नहीं है, उधर से जुदाई उसे जो है ना मार रही थी, लेकिन अभी वो अपनी जुदाई कर लेगा। दो मादी भी अकेली थी, मुर्गा भी अकेला, अब दोनों इंशाल्लाह। चलो जाओ, ठीक है, खुश हो आप? खुश हो है बेटा, आप भी खुश हो, दोनों खुश हो जाओ। चलो शाबाश, चलें जी। आज माशाल्लाह दोस्तों हमारा ये वाला भी डन हो गया जोड़ा, ठीक हो गया जी। उम्मीद करते हैं आपको बड़ा ये वाला हमारा जोड़ा लगा होगा जी खूबसूरत, ठीक है जी। ये लसानी इसके साथ डाल दी है, ठीक है, ओके हो गया। चलें दोस्तों हमारा चैनल कर लें जरूर सब्सक्राइब, बेल आइकन दबा दें, अच्छे से अच्छा कमेंट किया करें, वीडियो को लाइक किया करें। रेजा खड़ा हुआ है अपने पॉइंट पे, ठीक है जी। आगे दूर होता था जरा, हमारी नजर नहीं थी पड़ती, उसको अपने दिल के करीब ले आए हैं जी, जब आते हैं इस पर नजर पड़ती है हमारी माशाल्लाह से। चलें ओके हो गया दोस्तों, बेल आइकन दबा दें, वीडियो को जो है लाइक कर दिया करें, कमेंट कर दिया करें, ओके हो गया जी। अल्लाह हाफिज, अबीरा आप भी अल्लाह हाफिज करो, सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब, अल्लाह हाफिज।